हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कन्हैया जी के लिए कितनी ही प्यारी सी ये ड्रेस बनाई है। सिर्फ कॉटन के कपड़े से बनाया है, सिर्फ दो चीज़ों से बनकर तैयार हो गई है। एक चाहिए हमें लेस और एक चाहिए हमें कपड़ा। सिर्फ दो चीज़ों से बनके तैयार हो गई है। इस ड्रेस को मैंने सुई धागे से बनाया है, बिना सिलाई मशीन के बनाया है। और ये देखिए, ये कितनी ही प्यारी लग रही है। और इसमें हमारे कन्हैया जी हैं, वो भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम कॉटन के कपड़े में से कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, जो काफ़ी अच्छी होगी, सुंदर होगी। क्योंकि गर्मी चल रही है तो हम कॉटन के कपड़े में से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से स्टेप कट करेंगे। तो जितने भी बड़े आपके कान्हा जी हैं, उस हिसाब से आप कर लें। जैसे आप पुरानी कोई ड्रेस ले लें, उसके नाप से आप कर लें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 इंची, क्योंकि ये थोड़ा बहुत फोल्ड में भी जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 इंची लिया है। 5 पर हम कट लगा देंगे। अब हम जो इसकी लंबाई लेंगे, वो मैंने लिए है 17x5। डबल जो कपड़ा है वो मेरा 17 है। आप जितनी भी इसमें घूम, यानी कि घेरा है, जितना भी अच्छा सा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर ये ले लें। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो मैंने डबल करके ली है, यानी कि जो लंबाई है, चौड़ाई मैंने 5 ली है, तो यहाँ पर जो लंबाई है वो 17 है। तो ये डबल कपड़ा है, तो 34 हो गया। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े में से स्टेप कट कर ली है 34x5 इंचेस। तो आज मैं इस ड्रेस को सुई धागे से बनाऊंगी। जिन लोगों के पास मशीन नहीं होती है, वो लोग भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो आज मैं इसे सुई धागे से बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर सुई और धागा ले लिया है। तो आप लेस अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह की लेस लगा रही हूँ, जो टिश्यू लेस के ऊपर दूसरी लेस लगी हुई है, जिसमें शाइनिंग है, स्पार्कल वाली है। ज़्यादा हैवी नहीं लगा रही हूँ, आप हैवी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की साइड में हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से ये लेस रखेंगे, जिससे इसमें जो फिनिशिंग है वो एकदम सुपर आती है। तो इस तरह से रख कर हम इसे सिल लेंगे। तो स्टिच करेंगे तो पहले सुई धागे से ही करेंगे, क्योंकि इसे हम सुई धागे से बना रहे हैं। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन का उपयोग कर लें। जिन लोगों के पास मशीन नहीं होती है, वो लोग भी इस ड्रेस को हाथ से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आएगा। तो इसे मैं पूरा ऊपर की साइड में लगा लेती हूँ, लेस को नीचे की साइड में सिल लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर सिलेंगे इस लेस को ऊपर की साइड में। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप इसी तरह से लगाएंगे। पहले इसे हम थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से इस पर लेस लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको सिल लिया है। तो ये हमारी सिल गई है। अब हम ऊपर की साइड में इसे सिल लेंगे। तो फिर से हम सुई धागा लेंगे और इसे भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हम इसे ऊपर की साइड में भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी इसमें लेस लगा ली है। तो अब हम साइड से लेस लगाकर इसको फिनिश करेंगे। तो अब हम लेंगे टिश्यू लेस इस तरह की। आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं। बट ये थोड़ी सी थिक है, जिससे ये ड्रेस है वो थोड़ी सी थिक सी बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पर टिश्यू लेस का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी लेस का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी थिक है। तो अब हम करेंगे इस लेस का यूज। तो यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और इस तरीके से गोटे की तरह से लगा लेंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए, अब मैंने इसे सिलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी साइड से लेस लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर चौड़ी वाली लेस है, आप थोड़ी पतली वाली, यानी कि इस इतनी पतली आप कोई भी टिश्यू लेस ले लें। तो अब मैं इसे डबल करके लगाऊंगी। तो उसके लिए हम यहाँ से लगाएंगे इसे डबल करके।
और यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे इस तरीके से। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर इसे सिल लिया है। ये देखिए हमारी लेस है वो लगकर तैयार हो गई है। तो अब हम साइड से लेस लगाएंगे। तो उसके लिए हम इसी लेस को लेंगे और इस तरह से इसे सिल लेंगे। तो ये थोड़ी सी चौड़ी लग रही है, तो अब हम इसे कट भी कर सकते हैं बीच में से, क्योंकि ये अलग अलग है तो इसलिए। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ जिससे ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। इस तरह से हम इसे यहाँ पर सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इसे लगा लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए साइड से मैंने इसमें दोनों साइड में लेस लगा ली है, ये देखिए। तो अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसमें इस तरीके से पास पास में आधा आधा इंची की हम प्लेट्स लगाएंगे। एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को नहीं रखेंगे, इस तरह से लगाएंगे। और दोनों साइड से हम ऐसे पकड़ना है, ये नहीं कि हम एक साइड से ही इसे पकड़ें, दोनों साइड से पकड़कर हमें इसे सिलना है, यानी कि इस तरह से लगानी है। और यहाँ पर हम इसे सिलते जाएंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम पास पास में ये लेस लगाते जाएंगे, यानी कि ये प्लेट्स लगाते जाएंगे और इसको हम सिलते जाएंगे इस तरह से। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई लगा ली है, इसे मैंने सिल लिया है। तो ये देखिए जो हमारा घेरा है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो फिर से हम उसी कपड़े को लेंगे और इसमें से हम स्टेप कट करेंगे। तो अब हम एक ही स्टेप कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x4 की हम एक स्टेप कट करेंगे, 2 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी। डबल करके रखा है जिससे हमारी डबल स्टेप कट हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप हमारी फोल्ड करने में भी जाएगी दोनों साइड से। तो ये देखिए अगर आपको थोड़ी इसकी लंबाई है वो कम लगे तो आप थोड़ी 4.5 की भी ले सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हमने जो साइड से लेस लगाई है उसी तरह से हम इस लेस में से कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे सिल लेंगे इस तरीके से। इसी तरह से हम इस साइड में इसे फोल्ड करेंगे और इस साइड में भी हम लेस को सिल लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इन स्ट्रैप को मैंने सिलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर और यहाँ तक हाफ तक हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हाफ तक फोल्ड करना है। उसके बाद हम हाफ तक हम इस स्टेप को इस स्टेप के ऊपर रखेंगे और इस पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक इस पर हमें सिलाई लगानी है हाफ तक, यानी कि पूरे में सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ हाफ तक हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ तक इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक हाफ तक इसे सिल लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब हम यहाँ से और यहाँ तक इसे इसी तरह से सिलेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, और इसमें हम इस तरह से इसमें जगह रहने देंगे। तो हाफ हमें यहाँ से यहाँ तक इसे सिलना है, हाफ से भी कम, जिससे हम कान्हाजी को आराम से पहना सकें। तो दोनों साइड से मैं इसमें सिल लेती हूँ, 1-1 इंची तक इतना। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए ये चोली पर मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड में लगा ली है। तो अब हम यहाँ से इसे सिलना शुरू करेंगे इस तरह से,
और इसे हमें यहाँ तक सिलकर लाना है। अगर ये चोली छोटी होगी तो हम इसमें जो घेरा है उसमें थोड़ी सी प्लेट्स लगा लेंगे इस तरह से। अगर हमारे घेरा छोटा होगा तो हम चोली को एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमें इसको सिलना होता है। तो मैं यहाँ पर, मेरी चोली छोटी है और घेरा बड़ा है, तो घेरे में मैं थोड़ी सी प्लेट्स लगा लूँगी इस तरह से, थोड़ा सा रख कर, जिससे इसको एडजस्ट कर लूँगी। तो इसी तरह से हमें सिलना होता है। तो अब मैं इसे सिल लेती हूँ और इसे इसमें अटैच कर लेती हूँ। तो अब हम इसे सुई धागे से भी यहाँ पर सिल सकते हैं इस तरह से रखते हुए। आप चाहें तो इसे सिलाई मशीन से भी सिल लें इस तरह से रखते हुए। तो ये देखिए जो घेरा है वो मेरा इतना बड़ा है। तो अब मैं इस इतने घेरे को इसमें एडजस्ट करूँगी। जहाँ पर मुझे कम प्लेट्स लग रही हैं वहाँ पर मैं इसमें और प्लेट्स लगा लूँगी। तो ये देखिए इस ड्रेस को मैंने सिल लिया है। तो ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार है। और ये देखिए ये ड्रेस कितनी ही सुंदर लग रही है। और आपने देखा होगा बिना सिलाई मशीन के भी हम इस ड्रेस को बना सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है, काफ़ी सारे घेर वाली है। और ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए एकदम से फिट है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो अब मैं आपको अपने कन्हैया जी को इसे पहना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमारे बांके बिहारी हैं वो इस ड्रेस में कितने ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि येलो रंग तो इन कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी हमारी ये ड्रेस बनी है। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसे आप आराम से पहना सकते हैं और आराम से इसे आप उतार सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस ड्रेस को बनाना कितना आसान है और कितने ही आसान तरीके से आज हमने ये ड्रेस बना के तैयार कर ली।